मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये पढ़ने से पहले नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। पीएच की नॉर्मल वैल्यूज 7.35 टू 7.45, कार्बन डाइऑक्साइड की 35 टू 45 एंड बाइकार्बोनेट्स की 22 टू 28। बाइकार्बोनेट इज़ ए बेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एसिड। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस मीन पीएच कम हो जाता है एंड मेटाबॉलिक मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू बाइकार्बोनेट। ऐसी कंडीशन है जिसमें पीएच और बाइकार्बोनेट्स दोनों ही कम हो जाते हैं। और मेटाबॉलिक कंडीशन जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट करता है। इस कंडीशन में बेस कम हो गई है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एसिड को भी कम करेगा ताकि इसको कंपनसेट कर सके, और एसिड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइपर वेंटिलेशन से कम होगा। सो इसकी कंपनसेशन होती है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के थ्रू। ये एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, एसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस टू टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ एनाइन गैप, इन नॉर्मल एनाइन गैप एंड इंक्रीज्ड एनाइन गैप। एनाइन गैप कैटाइन्स और एनाइन के डिफरेंस को कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल एनाइन गैप कब होता है, जब भी सपोज अगर बाइकार्बोनेट्स जिस तरह मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कम हो रहे हैं तो ये जो कैटाइन और एनाइन्स हैं ये खुद ही आपस में अगर एक दूसरे को कंपनसेट कर लेंगे, यानी कि क्लोरीन इंक्रीज होके इसको कंपनसेट कर लेगा, तो इस वजह से एनाइन गैप नॉर्मल रहता है। ये किन कंडीशंस में होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या डायरिया में होता है। जबकि इंक्रीज्ड एनाइन गैप में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट तो कम होता है लेकिन क्लोरीन इसको कंपनसेट नहीं करता, ठीक है। तो इस कंडीशन में एनाइन गैप इंक्रीज हो जाता है। ये किन कंडीशंस में होता है, या तो लैक्टिक एसिडोसिस, DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एंड रीनल फेलियर। ये एंडोजीनियस इन कंडीशंस के अंदर बॉडी के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, जबकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें एनाइन गैप इंक्रीज होता है जिनमें एक्सटर्नली एसिड लेते हैं, लाइक सेलीसाइक्लेट्स। इसका सिनेरियो इस तरह से आता है कि पेशेंट ने एस्पिरिन ली, अब उसमें कौन सा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर होगा, तो जब एस्पिरिन लेते हैं तो सेलीसाइक्लेट्स बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप होता है, ठीक है। एनाइन गैप कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है यूक्यू में। इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, ये वाली वैल्यूज़ हैं सिनेरियो की, कि एक सपोज एक पेशेंट का 60 kg वेट है, सोडियम 130, क्लोरीन 110, बाइकार्बोनेट 10 और पीएच 7.12। अब इससे एनाइन गैप कैलकुलेट करना है। एनाइन गैप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है सोडियम माइनस बाइकार्बोनेट प्लस क्लोरीन। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। सोडियम की है 130, बाइकार्बोनेट की है 10 और क्लोरीन की है 110। इन दोनों को प्लस करना है, इट विल बी 120, और 130 में से 120 माइनस करेंगे तो एनाइन गैप कितना होगा, 10। इसके अलावा इन्हीं वैल्यूज से बाइकार्बोनेट डेफिसिट कैलकुलेट करना है, उसका भी एक फॉर्मूला है, ये भी याद करना है, VD इंटू बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट यहाँ पे 10 मेंशन किया हुआ है और ये जो VD है ये किसके इक्वल है, वेट इंटू 0.4 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाय बाइकार्बोनेट्स। ये कांस्टेंट है और ये बाकी वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। पेशेंट का वेट कितना है, 60 kg, 60 इंटू 0.4 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 38.4 आता है, ठीक है। इसको जब इस बाइकार्बोनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन ये आ गई VD की वैल्यू, VD को बाइकार्बोनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 384, ये बाइकार्बोनेट डेफिसिट की वैल्यू आ जाएगी।